आप स्वस्थ हों, निरोगी हों और उन्नति की ओर हों। नमस्कार, मैं बबीता अस्थाना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम रामबाण में। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने व्यक्ति सुभाष गोयल जी, जो कि वर्धान आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि रामबाण जो कार्यक्रम है उसकी सफलता को देखते हुए लोग जो है इतनी जो इच्छुक हैं सुभाष जी से बात करने के लिए, अपनी समस्याएँ रखने के लिए, तो आज विशेष तौर पर चंडीगढ़ से सुभाष जी यहाँ पर आए हैं आप सभी से बातें करने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं सुभाष जी का। सुभाष जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बबीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी दर्शकों, अगर बीमारी कोई भी अगर घर में आ जाती है तो हमारा पूरा परिवार उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। अगर हम बात करें बीमारी की, खास तौर पर घुटनों में दर्द की, घुटनों में गैप की, तो उससे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं प्रभावित होते हैं। बात करें अगर सोरायसिस की, यानी कि स्किन डिजीज़ की, अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो वो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास तक खो बैठता है। तो आज इन दो गंभीर विषयों पर हम चर्चा करेंगे सुभाष जी से, साथ ही आपकी जो समस्याएँ होंगी स्वास्थ्य पर आधारित उनको भी सुलझाएंगे और रामबाण औषधियों के बारे में सुभाष जी हमको बताएंगे, आपको बताएंगे, आपकी समस्याएं बताएंगे और उनकी दवाइयों के बारे में भी बताएंगे। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, साथ ही रामबाण औषधियों के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुभाष जी, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घुटनों के दर्द की। अगर हम बात करते हैं तो बड़े बुजुर्ग छत्र छाया में जिनकी हम पलते बढ़ते हैं, चलना उंगली पकड़कर सीखते हैं, और उसके बाद जब एक ढलती उम्र में उनको ये जो समस्या हो जाती है तो वो पूरी तरह से किसी और पर निर्भर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि आज हमने पूरे परिवार को संभाला, आज हम किसी और पर निर्भर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, इसको कैसे इसका निदान किया जाए? देखो, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था बहुत देर से कार्य कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। हर इंसान अपने अपने सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और वो वहीं पे अपना उसका चलता रहता है। तो लेकिन हमारी जो संस्था है, ये सभी दर्शक लोग जानते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ फैमिलियर हो चुके हैं, 10-10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुद ठीक हुए हैं और लोगों को भी भेजते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है। आज जैसे मुझे लाइव पे आने का मौका मिला है, आप लोगों के साथ बैठ कर के अपने देश की पूरी जनता के साथ बात करने का मौका मिला है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बार बार मौके नहीं मिलते। ये गॉड पता नहीं कैसे किसी एक इंसान को उठा करके अपने पूरे देश के साथ जोड़ने का एक मौका देता है। तो मैं इस मौके आप लोगों के साथ सारी बातें वो शेयर करना चाहता हूँ जो मतलब कि आप लोग मेरे से जानना चाहते हो। हमेशा मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैडम कि जो लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और साथ ही आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है खान पान की, जो चल रही है सिस्टम, जो हम खाते पीते हैं, उसके कारण क्या आता है कि हड्डियों में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, हड्डियाँ टूटने लगती हैं, क्रैक होने लगती हैं, घुटनों में गैप आने लगता है, कमर में चूल्हे के अंदर जिसे हम बोलते हैं उसमें गैप आने लगता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम यंग एज में महसूस भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, जो मिला खाया, बे टाइम खाना खा लिया और उसके बाद ये जो बीमारी है दिन ब दिन बढ़ती जाती है और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका कहते हैं इलाज भी नहीं हो पाता, फिर हम परेशान होते हैं। यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। नमस्ते मैडम जी, अंकित बोल रहा हूँ मैं। जी अंकित जी, कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं मथुरा से बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका, अपना सवाल बताइए। मैं जब थोड़ा सा ज्यादा चल लेता हूँ ना तो मेरे घुटने में दर्द होता है जी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर ठीक हो जाता है जी। कितनी उम्र है आपकी? मैं 24 साल का हूँ। देखिए 24 साल की उम्र है अंकित जी की और इस तरह की समस्या की, थोड़ा सा भी चलते हैं तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, क्या करना चाहिए इनको? इसके लिए एक्चुअल अंकित जी आपका कैसा है, खान पान कैसा है आपका? ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि दिनचर्या आपका कैसा है, किस टाइप से आप अपनी लाइफ को चला रहे हो, कैसे आप सुबह उठते, कितने बजे हो आप?
सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे, और उसके बाद आप क्या क्या लेते हो एकदम से? कुछ नहीं, फ्रेश होने के बाद बस एक गिलास दूध पीता हूँ, आ जाता हूँ। एक गिलास दूध पी के आप आ जाते हो, कुछ नहीं खाते ऐसा, मतलब कोई ऐसा डाइट नहीं लेते जो आपको एनर्जी दे दूध के बिना? नहीं, उसके बाद फिर लंच करता हूँ, उससे मिल जाए। सीधा लंच करते हो, और लंच में आप कैसा लेते हो, घर का खाना लेते हो या अक्सर बाहर का हो जाता है? घर का खाना खाता हूँ। घर का खाना आप खाते हो, तो उसके बाद आप लंच और डिनर के बीच में क्या लेते हो आप? वो थोड़ा वही चाय नाश्ता हो जाता है, ब्रेकफास्ट बाहर का समोसे ब्रेड पकौड़े वगैरह ये। हाँ, तो एक तो आप ये काम करिए कि छोटी एज है अभी, इस उम्र में हर चीज़ खाने को मन करता है और अच्छी भी लगती है, तो इसमें आपको मैं बता दूंगा कि जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हो, समोसे लेते हो, टिक्की पल्ले वगैरह कुछ भी लेते हो, इसमें आप सॉस वगैरह का सेवन ना करें। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ जी। इसमें आप जो खाते हो चाय के साथ जो आप लेते हो, उसमें आप ज़्यादातर कोशिश करें कि कोई ड्राई फ्रूट हो जाए तो वो बेटर रहेगा। आप ज़्यादातर ये चीज़ों का सेवन ना करें जो तली हुई चीज़ें होती हैं या मसाले वाली चीज़ें हों। एक तो देखो, इस उम्र में ये जो दर्द होना है, ये एक साइन है कि आपको बहुत जल्द जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकता है। आप इसके लिए किसी भी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेकर के लैब टेस्ट करवा लीजिए, अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारी कोई सलाह चाहिए तो हमारे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं इनको आप अपने पास सेव करके रखिए। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको डाइट, पहले तो आपकी डाइट आपको ठीक करनी पड़ेगी, उसमें सारा प्रॉब्लम तो डाइट का ही है जी। तो वो मैं डाइटिशियन के थ्रू आपको इसकी गाइडेशन जो भी है आपको मिलेगी, लेकिन आप अभी ऐसा कीजिए, हमारे नंबर सेव कर लीजिए, क्योंकि ये कोई आपको बताने वाली बात नहीं है कि आपको कोई छोटी मोटी मैं चीज़ बता दूं जिससे आप ठीक हो सको। जी बिल्कुल। अंकित जी, जैसा आपको बताया गया है कि आपको थोड़ा सा खान पान अपना नियमित करना पड़ेगा और जो है अपना ख्याल रखना पड़ेगा, छोटी सी उम्र है अभी, 24 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए अपने स्वास्थ्य को लेकर। और अगर कोई जानकारी चाहिए दवा के बारे में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो संस्थान के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए विशेष कार्यक्रम रामबाड़। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं, जोड़ों का दर्द, घुटनों में गैप, चर्म रोग, सोराइसिस, सफेद दाग, शुगर रोग, गर्भाशय की रसौली, बवासीर, गुर्दे की पथरी, माइग्रेन, मोटापा, कैंसर और HIV एड्स जैसी किसी भी बीमारी से आप या आपका अपना कोई परेशान है तो संपर्क करें श्री सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, वरदान आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, SCO 372 सेक्टर 44D चंडीगढ़। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी बीमारी के बारे में, उसकी जो है उसका कैसे उपचार करना है, रामबाड़ औषधि कौन सी आपको लेनी है जिससे कि वो बीमारी दूर हो जाए या कंट्रोल हो सके, तो उसके लिए आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है, अपना नाम बताइए। सुमित्रा बेनीवाल जी। सुमित्रा जी, कहाँ से फ़ोन कर रही हैं? सिरसा से बोल रही हूँ मैम। जी, क्या प्रश्न है आपका, सवाल बताइए। मेरे बाएं पैर में ना ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ज्यादा दर्द रहता है जी, और 3-4 महीने से ये दर्द हो रहा है जी। उम्र कितनी है सुमित्रा जी आपकी? 40 इयर्स। 40 इयर्स, लगभग 40 साल की उम्र में लगभग सभी लोगों को ये समस्या जो है शुरू हो रही है। क्या करना चाहिए सुमित्रा जी को? सुमित्रा जी, सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को काफी ठीक करेंगे। कैसी डाइट है आपकी? मैं नॉर्मल डाइट लेती हूँ, किसी भी तरह का। मैं वेज ये नहीं बोलू, कोई नॉन वेज नहीं खाती। हाँ। और ना ही तली भुनी चीज खाती हूँ, ना मैं मीठा खाती हूँ, बहुत कम मीठा लेती हूँ, और घर की डाइट लेती हूँ सर बिल्कुल। अच्छा, तो आप सुबह कोई मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कुछ ऐसा करते हो, कुछ एक्टिविटीज करते हो, कोई योगा वगैरह? नहीं सकती मैं सोने के बाद, कोई एक्टिविटी नहीं करते आप? थोड़ा बहुत करती हूँ सर। थोड़ा बहुत करते हो, तो आपको मैं बता दूं और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को अभी देखते हैं या देख रहे हैं, कि जो आपकी प्रॉब्लम है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है,
ये 100 में से 70 लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है जो पैर से, पैर के दर्द से शुरू होती है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि पैर से लेकर के वो कमर की तरफ आता है, एक ही जगह स्टिल होता है? नहीं, वो स्टिल ही है, स्टिल जैसे है। पूरे ऐसे हिप्स पे ज्यादा रहता है, उसकी वजह से मेरे पैर भारीपन ऐसे होता है, पैर में भारीपन रहता है। और वो मैं जब चलती फिरती हूँ नॉर्मल में कुछ नहीं होता। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो संस्था है इसमें ना एक तेल बनाया गया है, सभी दर्शक इसको नोट कर लें, इसके बारे में पूरी जानकारी लें हमारे नंबरों पे कॉल करके, कि जो विट जॉइंट तेल हमने बनाया है उसमें 2 बॉटल डाली जाती हैं, दोनों को मिक्स करके शुरू किया जाता है। उसमें मेन औषधि डाली गई है केसर। केसर जो है वो नर्व सिस्टम को एक बार रेगुलर कर देता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो छोटे मोटे ये बॉडी के पेन है, या एडियो का पेन है, कमर का पेन है, रीढ़ की हड्डी का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, या माइग्रेन का पेन, सर का पेन है, ऐसे कोई भी दर्द बॉडी में है उसको वो तुरंत ख़त्म करता है। जैसे लेडीज़ किचन में काम करती हैं, वॉशिंग करती हैं जब कपड़ों की, उसको मतलब ऐसे करने से बाजुओं में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, तो वो तेल लगाने से क्या होता है कि पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। ये पहला तेल है जिसमें केसर जो डाला गया है और पूरे प्रॉपर तरीके से वो काम करता है। ये तेल आप मंगवा करके इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद आप 10-15 दिन में मुझे खुद बताएंगे कि वाकई ये तेल रामबाण तेल है। जी बिल्कुल सुमित्रा जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और ये कहेंगे कि आपको आपकी बीमारी के उपचार का एक माध्यम मिल गया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप संस्थान के नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने लिए रामबाण औषधि यानी कि ये तेल जो है ज़रूर मंगा लीजिए, जिससे कि आपका जो पेन जो शुरू हुआ है अभी 40 की उम्र में, ये आगे बिल्कुल ना बढ़े और यहीं पर रुक जाए, यहीं पर थम जाए, ताकि आपको कोई भी पीड़ा, असाध्य पीड़ा सहनी ना पड़े। और यही सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी इस तेल को मंगाना चाहता है तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। कंसल्टेशन आप करना चाहते हैं, वैद्यों से अपनी किसी भी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से सलाह दी जाती है, स्पष्ट तौर पर आपको आपकी बीमारी के बारे में समझाया जाता है और उसी के आधार पर इलाज किया जाता है। तो आप जो है संस्था के नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर सुभाष जी, अगर हम बात करते हैं खान पान की, जैसे आप लगातार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी का, किसी भी बीमारी का, चाहे हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं या फिर और कोई बीमारी की बात करते हैं, तो सभी का खान पान से सीधा सीधा संबंध है। तो खान पान को ठीक रखना और साथ में जो है व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। और जब दवाइयों की हम यहाँ बात करते हैं, जो दवाइयाँ आपने बताई हैं, तो उनको किस तरह से दर्शक मंगा सकते हैं? दवाइयाँ मंगाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो देखो पूरे हिंदुस्तान में हमारी मेडिसिंस जो हैं वो भेजी जाती हैं, देश के बाहर भी जाती हैं, लेकिन इसके लिए सिंपल छोटा सा काम होता है, जैसे फ़ोन पे बात होती है। सबसे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था में जब वो कॉल करते हैं तो जिसके साथ उनकी बात होती है, पहले तो उनके साथ बात करके प्रॉपर जानकारी लें कि हमारी ये बीमारी है, इसके लिए ये मेडिसिन हमें चाहिए, तो वो किस टाइप से हो सकती है, तो वो पूरी जानकारी के बाद, नोट डाउन करने के बाद फिर मेडिसिन को मंगवाएं। कई लोग सीधा कॉल करते हैं कि जी, बस उनको ये होता है कि सुभाष जी ने टीवी पे बताया था, पता नहीं एक दिन में ही हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, हर चीज़ को टाइम लगता है। जो बीमारी आपको 20 साल से लगी हुई है तो उसको हटाने के लिए 20 दिन तो हमें दीजिए कम से कम, तो 20 दिन में हमारी दवाइयाँ पेशेंट को बता देती हैं कि ये दवाइयाँ आपको ठीक कर सकती हैं। तो दूसरी बात है मंगाने की, जो आपने पूछी है, मंगाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपने अपना एड्रेस बताना होता है, आपके एड्रेस पे दवाई पहुंच जाती है, पोस्टमैन आपके घर पे लेके आता है, और वो जब आपको मेडिसिन देता है उसी समय उसको पैसे देने होते हैं, कोई पहले पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपको दवाई दे के जाता है, उस दवाई के अंदर, उस बॉक्स के अंदर एक हमारी रजिस्टर्ड स्लिप रहती है, जिसके ऊपर हमारे, जिस डॉक्टर ने वो दवाई आपके लिए भेजी है उसके अंदर उस डॉक्टर का पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, नंबर होता है, तो वो पेशेंट उसके साथ हमेशा जुड़ के बात करते रहते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से लोग घर बैठे बैठे इसका पूरा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब रोगी हमें, हमारी संस्था को, जिनको, जिन्होंने देखा भी नहीं है हमारा क्लिनिक, हमारा सेटअप, हमें खुद पर्सनली मिले भी नहीं है, 80% ऐसे लोग हैं जो धन्यवाद भेजते हैं कि हमने आपकी दवाइयाँ ली और हम बिल्कुल ठीक हैं। हम उनका आज
लाइव के माध्यम से धन्यवाद करते जी बिल्कुल। और सुभाष जी हम भी आपका धन्यवाद करेंगे कि आज विशेष तौर पर आप चंडीगढ़ से यहाँ पर आए, खासतौर पर दर्शकों की जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उनको सुलझाने के लिए, तो आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी आपका भी और आपके पूरे टीवी चैनल का, पूरी टीम का धन्यवाद, साथ में सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा प्रोग्राम बार बार देखा है और बार बार हमारी दवाइयों की तारीफ की है जिससे हमारा हौसला बढ़ता है आप लोगों की सेवा करने का। जी बिल्कुल। तो दर्शकों आपके घर में कोई भी बीमारी ना आए और अगर आ भी गई है तो वो अपना रास्ता बदल ले, यानी कि आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही कामना है हमारी और यही उद्देश्य है रामबाण कार्यक्रम का। तो दर्शकों इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, तो हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं, जोड़ों का दर्द, घुटनों में गैप, चर्म रोग, सोराइसिस, सफेद दाग, शुगर रोग, गर्भाशय की रसौली, बवासीर, गुर्दे की पथरी, माइग्रेन, मोटापा, कैंसर और एचआईवी एड्स जैसी किसी भी बीमारी से आप या आपका अपना कोई परेशान है तो संपर्क करें श्री सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्धान आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, SCO 372, सेक्टर 44D, चंडीगढ़।